नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा राष्ट्रपति से करने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सड़क छोड़िए, अब तो लोगों को घर में भी डर लगने लगा है। सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए एक महीना का समय है, वरना महागठबंधन के सारे विधायक राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 5-6 दिन बीत जाने पर भी रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली है। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कहीं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की तरह पुलिस दोषियों को बचाने का काम तो नहीं कर रही। अपराध से पूरे बिहार के लोग सहमे हुए हैं। इसके आगे तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के सवाल पर 2005 से पहले के शासन का हवाला देते हैं, लेकिन बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर 2004 में अपराध के कुल 115,216 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इनके शासनकाल के 15 वर्षों बाद यानी 2019 में अपराध के आंकड़े बढ़कर 2,69,096 हो गए हैं। NCRB के आंकड़े भी बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति की गवाही दे रहे हैं। तेजस्वी ने रुपेश हत्याकांड में कुछ बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। आरोप लगाया है कि CM जितनी समीक्षा बैठ के कर रहे हैं उतना ही क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लूट, हत्या, रेप, जिसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड हो या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। छोटे मोटे जो रूटीन वर्क जो होते हैं पुलिसिंग की, पटना जैसे राजधानी में भी पेट्रोलिंग व्यवस्था रात में पुलिस की नहीं हो पाती है और साफ तौर पे हम लोगों का स्पष्ट मानना है और कहना था कि जो थके हुए मजबूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनसे गृह डिपार्टमेंट या बिहार नहीं संभल रहा,